Welcome to Gaming Discovery and don't forget to subscribe. What's up guys, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे यार। आर यूज़र्स का जो गेम था स्पाइडरमैन वाला, वो तो बंद हो गया क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ गया था उस गेम में। लेकिन जो माइल्स मोरालिस वाला गेम निकला था, उसका अपडेट बिल्कुल ही तैयार है और मैं इसी के बारे में इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आखिर क्या नई इन्फॉर्मेशन निकली है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि इस गेम को जून में लॉन्च किया जाने वाला है और इस गेम्स में आपको धमाकेदार ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको क्लाइमेट चेंज का ऑप्शन और एक कार नहीं, बहुत सारी कार सूट चेंज करना सब कुछ मिलने वाला है। आपको बिल्डिंग्स भी बहुत ही नए लुक में दिखने वाली हैं, जो कि बिल्कुल माइल्स मोरालिस वाली गेम की तरह ही आपको एक्सपीरियंस देगा। और मेरे हिसाब से अगर इसमें थोड़ा कंप्यूटर की तरह ही टेक्सचर ऐड कर दें, तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट माइल्स मोरालिस वाला गेम बन जाएगा। और इस गेम में मुझे लगता है कि कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो कॉपीराइट इसमें नहीं आएगा, तो ये गेम ऐसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा और बहुत ही जल्दी जून में हमें ये गेम खेलने को मिल जाएगा हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ये एक बहुत बढ़िया गेम होने वाला है अगर इसमें कुछ चीज़ें और अच्छी इम्प्रूव कर दी जाए। जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव तो करी गई हैं, जैसे कि एनिमेशन बहुत ही इम्प्रूव किया गया है और वेब स्विंगिंग और वॉल क्लाइंबिंग भी बहुत ही इम्प्रूव करी गई है। साथ ही इसमें जो बिल्डिंग का जो टेक्सचर है वो थोड़ा मुझे डाउन लगा। लाइटनिंग के साथ वो इसे अलग अलग कलर से डिज़ाइन में भी कर सकते थे, तो बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें, क्योंकि अभी टाइम भी है तो ये लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जून में ये आ ही जाएगा और ये ऑफलाइन होने वाला है। इसका जो साइज़ है अप्रॉक्स 1.5 GB या 2 GB तक जा सकता है। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या दोनों ही होगा, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी होगा धमाकेदार होगा और इस चैनल पे आपको जरूर पता चलेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि इस गेम का भी जो मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ, आप इस गेम प्ले को खेल नहीं पाओगे क्योंकि ये भी रिलीज़ नहीं हुआ है। ये एक बीटा गेम प्ले है जो कि उन प्लेयर्स को दिया गया है टेस्ट करने के लिए। ये कुछ ही लोग को दिया गया है, इसीलिए आप इसे नहीं खेल पाओगे। अगर आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको ये पुराना वाला मिलेगा, नया वाला नहीं मिलने वाला। ये वाला आपको तभी मिलेगा जब इसका फुल वर्जन रिलीज हो जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।